हजरत मीर आरिफ बल्तिस्तान और तुर्किस्तान के दरमियान रास्ते बंद हो जाने के बाद कश्मीर से लोगों का बल्तिस्तान आमद का सिलसिला शुरू हुआ। चिनाचा 1015 हिजरी में तुर्किस्तान से दो भाई मीर आरिफ और मीर अबू सईद, जो कश्मीर में मीर सईद शमसुद्दीन इराकी के अखलाफ और सिलसिला नूरबख्शा के मरकजा आलिम और पेशवाए तरीकत थे, खपलू वर्द हो गए। मौलवी हशमतुल्लाह के बकौल यबगो खातम की वफात और यबगो दबला खान की तख्त नशेनी के बाद दो भाई मीर आरिफ और मीर अबू सईद अपने शागिर्द और मुरीद मुल्ला जरक के हमरा कश्मीर से खरमंग पहुंचे तो मुकामी लोगों ने आपको अपने हां सुकूनत अख्तियार करने की दावत दी, मगर आपने अपना सफर जारी रखा। मीर अबू सईद ने किरस में अकामत इख्तियार फरमाई, जहां अपनी जिंदगी तबलीगे दीन में गुजारी और आखिरकार 1095 हिजरी में वफात पाई। जबकि मीर आरिफ को राजा रहीम खान खपलू ने बगर से तबलीग खपलू आने की दावत दी और वादा किया कि खपलू में मीर आरिफ जहां सकूनत इख्तियार करना चाहे वहां अराजी के अलावा वो तमाम जरूरत जिंदगी का बंदोबस्त किया जाएगा। साथ ही ख्याल किया कि उनकी सकूनत के लिए फड़वा यानी गुलशन कबीर मुनासिब वाका है। आपने थगस के नाम के बारे में इस्तफार किया और फरमाया, इस जगह की खूबी यह है, इस जगह का नक्शा किसी फरिश्ते के जिस्म और परों से ममासलत रखता है और जगह को अपनी जाए सकूनत के तौर पर पसंद फरमाया। वापिस आकर खपलू आए और राजा को अपनी राय से आगाह किया। राजा ने एक वसी इलाका हल्दी के बाद वाला नाला से लेकर सिनो नकरजा तक आपके वकफ किया। यूं मीर आरिफ थगस में सुकूनत पसीर हुए। मीर आरिफ ने निकाह फरमाया, जिसके नतीजे में एक लड़की शर्फुन्निसा और एक लड़का मीर आरा पैदा हुए। मीर आरा बवर्ज नाफरमानी आख होकर गाँव बदर हुआ और सुरमो जाकर आबाद हुआ, जिसकी नस्ल से सुरमो की मीर फुड़क की नस्ल चली, जो दो पुश्तों बाद खत्म हो गई। मीर आरिफ ने अपनी बेटी शर्फुन्निसा को सिलसिला जहब के पेशवाए तरीकत हजरत मीर मुख्तार इख्तियार के मुजल्ले साहबजादे मीर हजरत इसहाक की अकद में दे दिया। मीर आरिफ कुछ अरसा बीमार रहने के बाद 1061 हिजरी में वफात पा गए। बाद अजा मीर आरिफ की नाश को खंकाए मुअल्ला थगस के जुनूब जानिब दफन किया गया। आपका रोजा मुबारक कश्मीर के कदीम तर्ज तामीर का मुनफरिद शाहकार है। हजरत मीर आरिफ ने जो मुतबरिक आसार अपने साथ लेकर तशरीफ लाए वो अलम हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है, जो इस वक्त थगस थोल्दी के मुकाम पर उसी हालत में महफूज है और जायरीन अपनी मुरादें पूरी पाते हैं।